हेलो फ्रेंड्स, नवरात्र 2 दिन बाद शुरू होने ही वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 तारीख यानी कि सोमवार से नवरात्र शुरू हैं। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और फर्स्ट ही हम घर पर कलश की स्थापना भी करते हैं और हम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इन सब का पाठ भी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इसी से ही रिलेटेड है कि नवरात्रीज आने वाली हैं तो इसमें हमें क्या क्या तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। देखिए, अगर हम पहले से ही सारा सामान मार्केट से लाकर रखेंगे तो हमें बार बार बीच बीच में सामान खत्म होने की या क्या सामान हम भूल गए हैं अचानक से, हमें बार बार मार्केट भागने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे जरूरी है माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर उनकी कोई तस्वीर, ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए। इसके साथ ही उनके लिए ड्रेसेस भी, 9 डेज के लिए अलग अलग ड्रेसेस हमें पहले से ही उनका एक पेयर बना के रखना चाहिए, कलर कोऑर्डिनेशन के अनुसार कि किस दिन हमें कौन सी ड्रेस पहनानी है। सच मानी फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी क्योंकि मैं खुद ये सब करके रखती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बस एक बास्केट में तह बनाकर ज्वेलरी और उनकी ड्रेसेस के अनुसार इनको रखती जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये हैक कैसा लगा। इसी तरह आजकल चुनरियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, आप उनको भी उसी बास्केट में ही रखिएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आप या तो उनको 16 श्रृंगार कर सकते हैं या फिर आप उनको ये 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, लाल चुनरी, महावर, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा, इत्र की एक छोटी सी बोतल, बिछिया, मंगलसूत्र, पायल और लिपस्टिक। इस तरह फ्रेंड्स 16 श्रृंगार हैं जो माता को चढ़ाए जाते हैं। आप किसी भी पूजा वाली दुकान पर जाएंगे, वहाँ आप माता की किट मांगेंगे श्रृंगार की, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लकड़ी की एक चौकी, जिसके ऊपर हम एक लाल या पीला किसी भी रंग का एक वस्त्र बिछाएंगे और उसके ऊपर ही हम माता की मूर्ति को स्थापित करेंगे। वस्त्र को हम बार बार नहीं बदलते हैं, सिर्फ स्थापना के टाइम ही इस वस्त्र को चौकी के ऊपर बिछाया जाता है। बात फ्रेंड्स, हमें एक कलश, आम के 5 पत्ते और जटा वाला नारियल और कुछ फूल, ये तो हमें जरूर चाहिएंगे क्योंकि हमें कलश की भी स्थापना इस दिन करनी होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, 9 के 9 दिन हमें एक रंगोली बनानी होती है, तो फ्रेंड्स हमें इन सब का अरेंजमेंट भी पहले से करके रखना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ घर में लाल, पीले और हरे इस तरह के कई रंगों के चावल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनको बनाना बहुत आसान है। एक पॉलीथीन बैग में 1/2 कप चावल डालें, खाने का रंग या कोई भी रंग आप डाल सकते हैं। अगर आप सूखा रंग डाल रहे हैं तो 1/4 स्पून उसमें पानी डालें, उसको शेक करें और 15 से 20 मिनट उसको पंखे के नीचे सुखा लें। तो देखिए, आपके चावल भी रेडी हो गए हैं। इसको भी आप 3 से 4 दिन पहले से ही करके रखेंगे तो आपका काम आसान तो हो ही जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, पूजा सामान की भी आप एक लिस्ट बना लें। आप घर पर ये चेक करें कि क्या सामान आपके पास घर में अवेलेबल है और क्या सामान ख़त्म हो गया है। अगर आप ये चेक कर ही दुकान पर जाएंगे तो आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ के साथ आपको आसानी भी रहेगी। तो बहुत सारा सामान हमें पूजा में चाहिए ही रहता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादातर सामान की लिस्ट बता पाऊँ, लेकिन कुछ सामान रह गया हो तो आप मार्केट जाने से पहले वो सामान भी ज़रूर चेक करें। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रसाद के लिए हमें पंचमेवा, साथ में गंगा जल, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, मोली, रोली, बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाई हूँ। हमें रोज़ फूल चाहिएंगे, फूलों की एक माला चाहिएगी, साथ ही जो कॉटन वाली माला आती है ना, वस्त्र माला, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वो भी आप खुद बना सकते हैं या मार्केट से लेकर आ सकते हैं। इसी तरह हवन करने के लिए आम की लकड़ी, हवन कुंड, घी, तिल का तेल, हवन सामग्री, गाय के गोबर के बने हुए उपले, इस तरह फ्रेंड्स काफ़ी सारे सामान की लिस्ट तो हो ही जाती है। इसके साथ ही हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी चाहिएंगे, छोटे दिए, बड़े दिए, थोड़ा कलश और मिट्टी जिसमें हम जौ उगाएंगे उसके लिए भी एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही फ्रेंड्स, मिट्टी हमें कोशिश करनी है कि साफ़ सुथरी हो और चाहें तो एक बार आप उसको ज़रूर छान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखिए कितने सारे सामान की लिस्ट तो ऑलरेडी हो ही गई है और आप दुकान पर जाएंगे ही तो वो आपको सारा सामान तो दे ही देगा। देखिए फ्रेंड्स, माता के लिए तो हमने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है, मिठाई, मालाएं सब ले आए हैं, लेकिन खुद के लिए आपने क्या किया है इसके बारे में भी ज़रूर सोचिए।
चलिए थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी यहाँ पर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी कि आपको कौन से दिन पर किस कलर के कपड़े पहनने हैं। तो इनको भी अगर आप पहले से ही सोच के, आपको साड़ी पहनना है, कुर्ता सलवार पहनना है, जो भी ड्रेस आपको पहननी है, अगर आप पहले से ही सेट कर अलमारी में बिल्कुल सामने रखेंगे, तो फ्रेंड्स आप इस फेस्टिवल्स में इतनी जल्दी और फटाफट तैयार हो पाएंगे और अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड आपसे ये सवाल पूछ भी लें कि इस बार आपने बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेशन के अनुसार सारे कपड़े पहने हैं और इस फेस्टिवल पे आपके इतने हैप्पी रहने की, इतने इंजॉय करने का सीक्रेट क्या है। तो फ्रेंड्स, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।